ऑल राइट व्यूअर्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मे बी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इसीलिए है बिकॉज ये रोड साइड है ना, मेन रोड की तरफ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर 7 शटर्स है, ओके 7 शटर मतलब कितना प्राइस लगा है इसके लिए और कितना रेंट है, एंड उसके साथ इसका कैसा एक स्टार्ट करना चाहिए, पिलर बीम और ये टिन कैसा पर केजी कैसा चल रहा है फिलहाल मार्केट में, एंड इसका शटर का कॉस्ट वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। पूरा बाहर का व्यू दिखा के फिर उसके बाद इनसाइड व्यू देख लीजिए। वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, जो भी रोड साइड आपके पास जगह रहता है, परमानेंट स्ट्रक्चर आप नहीं बनाना चाहते, जो पोर्टेबल सेमी पोर्टेबल मान सकते हैं इसे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ लॉस हो सकता है, बट एट मैक्सिमम 70% तक अगर आप इसको पोर्ट करना चाहते हैं तो 70% तक आप सेविंग कर सकते हैं, बाकी का 30% थोड़ा सा नुकसान होता है जो सीमेंट रेत हो जो भी, एंड इसका रेट भाव भी कम पड़ जाता है। मैक्सिमम 50-60% सेविंग रहता है और सेमी पोर्टेबल स्ट्रक्चर है। वीडियो देखिए, लेट्स सी एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये देखो व्यूअर्स आउटसाइड व्यू, इसका स्लोप जो है बैक साइड दिया गया है एंड फ्रंट की तरफ करो टाइप में लिया गया, ओके। फिर उसके पीछे क्या है, स्लोप पीछे की तरफ, पीछे 10 फीट है हाइट अंदर का अंदर, ये हाइट जो है ना 10 फीट और यहाँ पर 11 होगा, 10.5 से 11 होगा, ओके 6 से 1 फीट का यह स्लोप दिया गया है। एंड उसके अलावा ये आपका मेन रोड, मेन रोड से जस्ट 1.5 से 2 फीट हाइट लिया गया। तो ऐसा है, एंड अभी मैं आपको कॉर्नर की तरफ भी लेके जाऊंगा, कॉर्नर की तरफ कैसा बनाता है मैं लास्ट में अंत में। और टोटल 7 शटर्स है इसका, ये जो शटर देख रहे हैं ना ऐसा 10 फीट विड्थ, लेंथ में 17 फीट और यहाँ पर सामने की तरफ 2 फीट ये फर्श लिया गया, फिर ये रोड नाला है इसके नीचे वो प्लेस। एंट्रेंस के वक्त ऐसा 2 स्टेप्स दिए गए एंट्रेंस को हर एक शॉप के लिए, और ये जो मेन पिलर आप देख रहे हैं ना ये 2.5 इंच का है, 2.5 इंच बाय 2.5 इंच का ये पिलर साइज लोहा। फिलहाल आज की डेट में जो रेट चल रहा है 70 या 75 रुपीज़ पर केजी के हिसाब चल रहा है एमएस स्टील माइल्ड स्टील। और ये क्या है, ज़मीन के अंदर 2 फीट अंदर लिया गया, ओके यहाँ से 2 फीट है, फिर उसके अलावा प्लस एडिशनली मेन जो प्लेन सरफेस रहता है वहाँ से 2 फीट अंदर रख के पूरा फिलअप किया गया, फिर उसके बाद ये 2 फीट हाइट, ओके ज़मीन से 2 फीट हाइट, फिर ये बेसमेंट हाइट, ओके उसके बाद नेक्स्ट देखो ये दोनों तरफ से यहाँ नीचे भी एक रॉड रहता है, ठीक है पाइप रहता है ना, ये पाइप ले सकते हैं या नहीं, डायरेक्ट आप फर्श के ऊपर रख सकते हैं या फिर जो गैप रहता है उस गैप को कवरअप करने के लिए ये ब्रिक वर्क इस्तेमाल किया गया, ओके ये ब्रिक वर्क हो गया एंड वहाँ पे सिंगल ब्रिक, अगर आप चाहे तो सिंगल ब्रिक भी यूज़ कर सके, इसे 2 ही यूज़ करना बोल कुछ भी नहीं, इसको बाद में प्लास्टर किया गया उस तरह का, बहुत खूबसूरत दिखता। एंड और एक चीज़ यहाँ पे जो यूज़ किया है ये फर्श नॉर्मल फर्श ही है जो कि हैवी इम्पैक्ट ज़्यादा इम्पैक्ट लेने वाला ये फर्श है, तो उसकी वजह से ऐसे ही आप यूज़ कर लीजिए अपने प्लेस में। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखो यार 10 बाय 17 फीट बोले तो ऐसा कंफर्टेबल होता, हर एक शटर को 1-1 लाख रुपए का मान लीजिए अप्रोक्सीमेट, मैं बोल रहा हूँ आपको 7 शटर से यहाँ पर तो करीब करीब 7 से 8 लाख रुपए यहाँ पर खर्चा हो चुका है इन शटर्स बनाने में, सो 7 लाख रुपीज़ का खर्चा हुआ है टोटल, साइज़ 10 बाय 17 पर शटर 10 बाय 17 का, वो जो है ना एक 1.5 से 2 फीट तक हाइट लिया गया, फिर इसके बाद 4 फीट 9 इंच डिफरेंस, फिर उसके बाद यहाँ से वहाँ तक क्या है 3 फीट का डिफरेंस आ रहा समझो, सो 3 फीट 4.5 फीट 1-2 फीट, सो टोटल पीछे की तरफ जहाँ पे स्लोप एंड होता है वहाँ पे 10 फीट टोटल हाइट, उसके बाद जो शटर की तरफ रहता ना वहाँ पर क्या है 11 फीट तक आता आपको। और ये क्या साइज़ में लिया गया, तो ये नॉर्मल जो शटर बीम की तरह एक्ट करता है ना,
ये 2 फीट से भी 2 इंच से भी थोड़ा सा कम, यानी कि 1/4 इंच का है, मतलब 1 इंच प्लस 3/4 मानो, ओके 1/4 इंच बोला जाता है ना, 1/4 इंच, तो 2 इंच नहीं है, 2 से भी थोड़ा कम है समझो, 4 सूत कम है। और ये जो मेन पिलर रहता है देखो वो क्या है, 2 से भी ज़्यादा है, मतलब 2.5 इंचेस, ओके लेस देन 2.5 इंच, ये पिलर साइज यूज़ किया गया है। फिर ये शीट्स क्या है, ये इस कलर का, ये कलर बहुत मस्त दिख रहा है, ब्लू कलर मिलता, रेड कलर में मिलता आपको, रेड या ब्राउन कलर में, और उसके अलावा क्या है, ग्रीन कलर में भी शीट्स मिलते हैं, ग्रे कलर में मिलता, वाइट कलर में, और ए कलर मस्त डिसेंट लग रहा है मुझे देखने में भी। उसके अलावा जो 17 फीट था देखो, 17 फीट की छत पे कितना है, ए एंड पे एक है और उस एंड पे एक है, फिर इस इन उन दो एंड के बीच में क्या है, 3 बीम लिया गया, 1, 2, 3, मतलब अप्रोक्सीमेट जो डिस्टेंस आपको चाहिए वो है 3 फीट, 3.5 फीट या 4 फीट मान लो, ओके ऐसा 1, 2, 3, 4, मतलब 5 पिलर लिया गया यहाँ पर। एंड नेक्स्ट जो वर्टिकल पिलर्स रहते हैं ना, ये जो वर्टिकल पिलर्स रहते हैं ना, ये ऐसा देख रहे हैं ना, ये एंड से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल 17 फीट है, ये जो कार मस्त है ना उसको, ये जो टोटल 17 फीट है ना उसको क्या है, बाई 2 किया गया, मतलब करीब करीब आपको 9 फीट पे एक एक आता, सो एक पिलर यहाँ पर, एक 2 पिलर उधर, एक 3 पिलर, इस तरह से लिया गया। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। एंड बात करते हैं शटर्स की, शटर जो है ना आपको 25,000 से 30,000 में एक शटर मिल जाता है, ऐसा 10 फीट, और जो रोल रहता है वो हाइट क्या है, 11 फीट है समझो, 11 से थोड़ा कम है, 10 फीट होगा शायद, तो आपको अप्रोक्सीमेट इतना खर्चा आया, 30,000 के अंदर बन जाता। एंड और टोटल जो है मैं ओनर को पूछा हूँ खुद, 7 to 8 लाख रुपीज़ का खर्चा आया है। ओके दोस्तों ऐसा बनाए गए, ये पैटर्न आप देखो। अब मैं आपको एक कॉर्नर व्यू दिखाता हूँ, कॉर्नर का शटर कैसा बिठाते हैं, लेट्स सी। सो आज की डेट में किसी को भी एक 2 शटर बनाना है, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का खर्चा आराम से आ जाएगा 2 शटर के लिए। फिर उसके अलावा भी आपको लाइटिंग लेना पड़ता, मीटर का खर्चा आता, वो सब है समझो, बहुत झंझट रहता। सो मैं यहाँ पर ही स्टॉप करूँगा, थैंक यू सो मच, हैव ग्रेट डे।